नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं नेहा बंसल, द स्टार न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं आज की खास खबर। कांदिवली में आंदोलन से पहले ही प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बता दें कि नेताओं को पुलिस ने एक होटल के अंदर नजरबंद भी करके रखा था। नजरबंद नेता मौलाना इश्तियाक खान ने बताया कि पुलिस ने उन्हें 1:30 बजे से ही एक होटल के अंदर नजरबंद करके रखा है, लेकिन पुलिस उनको कारण नहीं बता रही है कि क्यों नजरबंद करके रखा है। लोग प्रोटेस्ट करने वाले नहीं थे, क्रांति मोर्चा वाले करने वाले थे। उन लोगों ने ऐलान किया था कि आज यहाँ की जनता हमारे साथ मिलकर के इस मोर्चे में शामिल होगी। हम लोग तो चाय पीने बैठे थे, उसमें हम लोगों को नज़रबंद कर लिया गया। कम से कम ट्रेड यूनियन का प्रोटेस्ट चल रहा है सब जगह। वो लोग मोर्चा कर रहे हैं जो CA और NRC को लेकर के प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वो सारी आवाम रोड पे उतर आई है। ये पूरे हिंदुस्तान की आवाम की बात है, एक जन की बात तो है नहीं। सारे लोग मिल करके ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, चाहे हिंदू हो, चाहे दलित हो, चाहे मुस्लिम हो, सब मिलके ही कर रहे हैं। और इसके बारे में ये रहा है कि मतलब जो CA कानून लाया गया है या NPR लाया जा रहा है या से NRC लाई जा, अब हमारी मतलब समर्थन इस हिसाब से है कि दलित के लोग आए हुए थे और मतलब यहाँ के सारे अवाम को तकलीफ है इस बात की कि मतलब ये कानून वापस लिया जाए, इसके वजह से सब लोग मिलके शामिल होना चाहते थे। अब आप क्या करेंगे? आपको यहाँ रखा गया है होटल में, अगला कदम क्या होगा? अगला कदम ये होगा कि हम पहले तो परमिशन मांगेंगे उनसे, पुलिस से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि दोबारा हमको ये प्रोटेस्ट करने के लिए मौका दिया जाए। अगर नहीं देंगे तो फिर ये तो हिंदुस्तान आज़ाद है और आज़ादी में सबका हक है और लोग ये लोकतांत्रिक देश है, इस देश में सबका हक है। वो जो हक होगा हमारा हम करेंगे। वो क्या रीजन पुलिस ने दिया? अब मुझे तो अपने से कुछ नहीं बताए, वो लोग बताए कि मतलब है आप लोग इधर बैठे हो तो इधर ही बैठे रह जाओ, हमको कुछ बताया नहीं गया, इधर ही हमको नज़रबंद कर लिया गया। कितने घंटे से आपको नज़र? कम से कम 1.5 घंटे हो गए, 1 बजे से।